अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा इश्क मुर्शिद की लेटेस्ट एपिसोड। कल रात को टीवी पे नशर ना हुई, जिसके बाद फैंस हुए गुस्सा कि अब ये क्या बात है, इनकी एपिसोड क्यों नशर नहीं हुई और इसके पीछे क्या वजह है। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो सैनिवली आपको मेरी तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात करें इश्क मुर्शिद की, दूर फिशा और बिलाल लिबास के ड्रामे को लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन ड्रामे का जैसे ही एंड आने लगा है तो लोगों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इस ड्रामे को लेकर। वहीं पर जहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श आमिर की जोड़ी को लोगों ने इस कदर मोहब्बत और पसंद किया था, इसी तरह ड्रामे की एंडिंग में शिब्रा के वालिद साहब को पुलिस में जाना पड़ गया और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैसअप हो गई। इसी के साथ इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड, ये बात तो तय हो चुकी है कि 9 मई को नशर होगी करीबी सिनेमा घरों में पाकिस्तान पूरे में, जिसको लेके फ़ैन अब इस तरह एक्साइटेड नहीं है क्योंकि ड्रामे को मिक्स करके अजीब तरह कर दिया। यहाँ तक कि अब ये प्रोमो भी दिखाया गया है कि शिब्रा के वालिद साहब की डेथ हो जाएगी, जिसके बाद वह शामीर को ये कहती हुई नजर आएगी, जितनी मोहब्बत मैंने तुमसे की थी अब कहीं ज़्यादा मुझे तुमसे उससे नफरत हो गई है। तो फैंस इस तरह की एंडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जहाँ पर फजल बख्श शिब्रा का इतना अच्छा चल रहा था और उसके बाद शामीर से उनकी शादी हो गई थी, तो लोगों का यही कहना है इस ड्रामे को उस चीज़ पे एंड हो जाना था, चाहिए था। लेकिन नहीं, शादी के बाद शामीर का पॉलिटिक्स में आना, शिब्रा को इग्नोर करना, यहाँ तक कि पूरे सोशल मीडिया पे ये मीम्स बनने लग गए हैं कि फजल बख्श और इस ड्रामे का एंडिंग इस तरह की कर दी है कि जब चीज़ मिल जाए तो शिब्रा के जैसे फजल बख्श शामीर ने हालत की है वही हो जाती है। आपकी क्या राय है इस ड्रामे के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस ड्रामे की आखिरी किस्त जो है वो सिनेमा घरों में ही होगी, इसीलिए ड्रामा कल जो है टीवी पे नशर नहीं हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।